नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। भारत में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके। राहत की बात यह है कि अभी तक ओमिक्रॉन संक्रमितों में से किसी की मौत नहीं हुई है और ज्यादातर में लक्षण भी बहुत हल्के ही दिख रहे हैं। हालांकि तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के चलते फिर से लॉकडाउन लगने का डर भी सताने लगा है। तेज वैक्सीनेशन और कोरोना के गिरते ग्राफ से राहत मिल ही रही थी कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 23 पहुंच गई है। रविवार को एक ही दिन में 17 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में अब तक एक बार फिर से लॉकडाउन लगने का अंदेशा भी होने लगा है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह चुके हैं कि फिलहाल लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य में पाबंदियां केंद्र और सीएम उद्धव ठाकरे की सलाह पर लगाई गई। आज दोपहर 3 बजे WHO की बूस्टर डोज को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। उस बैठक में बूस्टर डोज को लेकर मंथन किया जाएगा। क्या इस डोज की जरूरत है? क्या ये असरदार साबित हो सकती है? क्या लंबे समय तक कोविड से सुरक्षित रहा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए भी बूस्टर डोज पर चर्चा तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।